ये हमारा गर्मा गर्म हलवा सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शकरकंद का हलवा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक होता है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं शकरकंद का स्वादिष्ट हलवा। शकरकंद का हलवा बनाने के लिए हमने हाफ के जी शकरकंद लिया है। सबसे पहले इसे हम कुकर में डाल के एक सीटी लगा लेंगे, जिससे अच्छे से उबल जाए। उबलने के बाद ये इस तरह से हो गया है। अब इसे हम छील लेंगे और इसके सारे छिलके हटा देंगे। इसे हमने छील लिया है, छीलने पर ये इस तरह का हो गया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप इसे मैश करके भी बना सकते हैं और ग्रेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके बनाने में इसे भूनने में आसानी रहता है और ये आसानी से ग्रेट भी हो जाता है। इसी तरह से सारे शकरकंद को हम ग्रेट कर लेंगे। सारे शकरकंद को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच देसी घी। घी हमारा गर्म हो गया है। ये हमने थोड़ा सा काजू और बादाम लिया है, इसे हम इसमें डाल के भून लेंगे। ये हमारा हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। अभी हमने थोड़ा सा किशमिश लिया है, इसे भी हम इसी में डाल के भून लेंगे। किशमिश हमारा हो गया है, अब ये फूल रहा है अच्छे से, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे, क्योंकि घी हमारा बचा हुआ है। और इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ शकरकंद। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसे भूनने में 7-8 मिनट लगेगा कम से कम, और गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे। इसे अच्छे से भूनने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो अब इसे हम इसी तरह भून लेते हैं। इसे हमने 8 मिनट भून लिया है। अब इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये सूख गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे हमारे हलवे का टेस्ट अच्छा आएगा। और डालेंगे 1/2 कप चीनी। शुगर आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपका शकरकंद जितना मीठा हो उसी अनुसार चीनी डालें और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसे हमने 2-3 मिनट भून लिया है, अभी हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी ऊपर से डाल देंगे तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखा था उसे हम डालेंगे। उसमें से थोड़ा सा हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अभी हमारा शकरकंद का हलवा सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक होता है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके बताएं कैसा बना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।